दोस्तों इस पहले इस पूरे बिग बॉस 18 का पहला बॉस मीटर हमको देखने को मिल रहा है और पहले ही बॉस मीटर में क्लियर कट दो लोगों के बीच में टक्कर होती हुई दिख रही है। नाम है विविन डेसेना और रजत दलाल। अगर मैं आपके सामने मैं कमेंट सेक्शन भी खोलूंगा आप देख सकते हो ये पोस्ट था जियो सिनेमा का जो अपलोड हुआ है, इसमें गुणरतन सदावर्ते हैं, विविन डेसेना है, रजत दलाल है, श्रुतिका अर्जुन है और नायरा बैनर्जी हैं, पांच लोग, जिसमें से दो नाम मैं आपको अगर बताऊं ना तो भाई ये लोग बॉस मीटर नहीं जीतेंगे इस बार, तो नहीं जीतेंगे क्योंकि इनके सामने जो तीन लोग हैं ना वो लोगों ने ऑलरेडी शो में अपना कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया जरूर है। श्रुतिका और नायरा आप हटा दो इस लिस्ट में से, विविन डेसेना, रजत दलाल और गुणरतन सदावर्ते, इन तीन लोगों में से कोई एक बॉस मीटर जीतेगा और बॉस मीटर मेनली वोट्स पे ही होता है, कमेंट्स पे ही होता है और वही सारी चीज़ें मतलब चेक करके ही बॉस मीटर बनाया जाता है, किसी को बॉस बनाया जाता है बॉस ऑफ द वीक के लिए। ऐसे में अगर क्लियरली लिखा गया पहला बॉस ऑफ द वीक कौन बनेगा तो अगर मैं आपके सामने कमेंट्स ओपन करूँ आप देख सकते हो ऊपर रजत दलाल और विविन डेसेना के सबसे ज़्यादा कमेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। रजत इज़ द बॉस, विविन इज़ द बॉस, ऐसे कमेंट्स मतलब ऐसा ही कमेंट करना है। और ऑल दो अब इसमें बहुत सारे एल्विश आर्मी और एल्विश के फैंस भी हैं जो रजत दलाल को लेकर कमेंट कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार का जो बॉस मीटर है या फिर बॉस ऑफ द वीक है रजत दलाल के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं बिकॉज बाहर से उनके लिए फैन फॉलोइंग अच्छी खासी जो है मतलब सपोर्ट उनको मिल रहा है। विविन डेसेना भी जीत सकते हैं, मतलब दो लोगों का नाम सामने आ रहा है फिलहाल, या फिर अगर थोड़ा सा अलग मूड में बिग बॉस हुए कि मेरी चलेगी तो फिर गुणरतन भाई भी। बाकी इस समय आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।